Good morning, students. Today we will start chapter 3. Second chapter हमारा complete हो गया था, biological classification. And now third chapter start. And third chapter name plant kingdom. ठीक है, last chapter में हमने biological classification में पढ़ा था कि जो classified किया था cell wall के basis पे Carolus Linnaeus ने, Linnaeus एक scientist थे, उन्होंने classified किया था प्लांट किंगडम को और एनिमल को किस बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ठीक है, जिसमें सेल वॉल होती थी उन सबको किस में डिवाइड किया था, प्लांट में, और जिसमें सेल वॉल नहीं होती थी उसको किस में डिवाइड किया था, प्लांट में. ठीक है, बट वहां पे फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि सेल वॉल तो बहुत में होती है, मोनेरा हो गए, इन सबको उन्होंने अंडर द प्लांट रखा था. बट उसके बाद व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन आया, तो व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, और इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इस चैप्टर में प्लांट किंगडम पढ़ना है. ठीक है, और प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है फिर से, अभी इन सबके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट आता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को. तो फर्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन थे वो किस बेसिस पे किए गए, कितने टाइप्स के किए गए, तो वही इसमें पढ़ेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक. फर्स्ट में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, द क्लासिफिकेशन वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जिसमें क्लासिफाइड किया गया उसको हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ठीक है, और ये किसने किया था ये भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, गिवन बाय लिनियस. ठीक है, ये किसने किया था, गिवन बाय लिनियस. अब इसको आर्टिफिशियल ही बोला गया, इसके अभी यहाँ पे एडवांटेज भी हम लोगों को देखने हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक एडवांटेज जो होता है वो ये था कि इजी टू रिमेम्बर एज ओनली वन और फ्यू कैरेक्टर्स आर यूज्ड. इसमें बस केवल कुछ ही कैरेक्टर हमने देख लिए थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर. अब वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ये किसी भी प्लांट के ये तीन जो पार्ट होते हैं उनको वेजिटेटिव बोलते हैं. तो इनके बेसिस पे, वो भी मॉर्फोलॉजिकल यानी बस केवल एक्सटर्नल फीचर्स पे हमने क्लासीफाई कर दिया उसको. ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक्स भी था. ड्रॉबैक्स क्या बताओगे इसमें, कि दिस सिस्टम यूज ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स. बस केवल इसमें कुछ कैरेक्टर लिए गए, जैसे कि हैबिट हो गया, नंबर हो गया, कलर एंड शेप ऑफ लीव्स हो गया, ये सब. ठीक है, और इसका दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट था ड्रॉबैक क्या था, कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट तो एक जैसा नहीं होता ना, सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, वो देखा है प्लांट में चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं थी, ये ड्रॉबैक हो गया इनका. और दूसरा, इसमें कोई भी इंटरनल फैक्टर लिया नहीं गया, कोई भी इंटरनल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाइड नहीं किया गया, तो ये जो था ये यहाँ से ड्रॉबैक हो गया इसका. तो सेकंड हमें पढ़ना है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था, तो वहां पे, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, इट बेस्ड ऑन बोथ कैरेक्टर्स. बोथ कैरेक्टर मींस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बेसिस पे. अब एक्सटर्नल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल के लिए एनाटॉमी पढ़ेंगे. ठीक है, तो दोनों के बेसिस में हमने इस पे डिवाइड किया. अब इसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी की क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, ये सब. और ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. इसको शॉर्ट में बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ना है हमको. अब इसमें एडवांटेज का कोई पूछे, इसकी एडवांटेज बताओ, तो एडवांटेज यहाँ पे ये हो सकती है कि ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर कैप्ट इन अ ग्रुप. जितने भी रिलेटेड भाई लग रहे थे उन सबको क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, और जितने अनरिलेटेड रख रहे थे उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया. बट इसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा. अब इसका डिसएडवांटेज क्या था, कि ये जो क्लासिफिकेशन था डिड नॉट बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. और जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम ओवरऑल हिस्ट्री चेक करके करते हैं,
बट इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कोई भी प्लेस नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिफोर डिस्कसिंग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक बात और क्लियर करनी, कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं और एल्गे में, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है जो एल्गे होते हैं उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो था उनको किस में रखा गया था, मोनेरा में। ठीक है, पहले जो क्लासिफिकेशन था लीनियस का उसमें उन्होंने साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट के अंदर रखा था, ठीक है, बट बाद में क्या देखा कि वो प्रोकैरियोट थे और प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर कोई पूछे तो वो उसके लिए किस में रखा गया ही? आपको पता है मोनेरंस, ठीक है, तो मोनेरा में फिर उसको क्लासिफाई कर दिया गया, उसको सेपरेट बना दिया गया, तो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गे दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इस पॉइंट को पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जब पढ़ोगे तो इसमें देखना है आपको कि किस पे बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, या ये भी हम बोल सकते हैं जेनेटिक रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड्स, फॉसिल्स रिकॉर्ड पे बेस होती है और करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम, और करेंट पे जिसको मतलब ज्यादा यूज किया जा रहा था यही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यही सिस्टम है। और यहाँ पे भी अभी पढ़ना है कि ये जो सिस्टम था ये किसने इनिशिएट किया था, तो इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं एंगलर, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ENGLER एंगलर, उन्होंने ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो दिया था। अब इसके बाद ये आता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जब आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे एक सेंटेंस दिया है कि दीज मोर बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस। यानी कि फाइलोजेनेटिक का मींस होता है एंसेस्टर की स्टडी, इवोल्यूशनरी स्टडी कर ली। अभी क्लास 12th में आप जाओगे इवोल्यूशन चैप्टर, वहां पे आप पढ़ोगे कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर क्रोमैग्नन, इस तरह से पूरा होता गया, पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले उनका एंसेस्टर देखेंगे कि एंसेस्टर के फीचर्स जो है वो कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। बट अगर हमें ये करना है कि हमें कंपैरिजन करना है डायनासोर के जीनोम का और ह्यूमन के जीनोम का, या कोई भी एग्जांपल ले लिया, आर्कियोप्टेरिस हो गया या कोई भी हो गया, तो अब अगर हमें उसका करना पड़ा तो वो तो है नहीं प्रेजेंट फॉर्म में, तो उसके जीनोम हमें अगर कंपेयर करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक स्टडी ना करके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ना करके, तब हम वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो फीचर्स होते हैं उसके लिए सब में भी आएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से ये ड्रॉबैक हो जाएगा। एडवांटेज अगर देखें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, तो दिस सिस्टम इज इन कन्फर्मेशन विद द मॉडर्न व्यू ऑफ फाइलोजेनी। मॉडर्न व्यू का मैंने भी बताया कि जो करंट में चल रहा है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज पढ़ना है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का, तो हम बता सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज दैट दिस इज नॉट हेल्पफुल इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, एज प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड मेनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या इंटरनल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो ये वाला पॉइंट मतलब ये है कि ये जो एनिमल की जब स्टडी करेंगे, एनिमल को क्लासिफाई करेंगे, तब तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बट जब ऐसे क्लासिफाइड करना है प्लांट्स को तो वहाँ पे ये सिस्टम जो होता है वो ये डिसएडवांटेज इसकी हो जाएगी कि ये, क्योंकि प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल या इंटरनल फीचर्स पे ही ज़्यादातर क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ स्पीसीज बाय न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, इसमें कंप्यूटर्स का यूज होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के डेटा के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले एक पीटर एच स्मिथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था पूरा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और इसमें नंबर एंड कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक तो ये सबसे बढ़िया मेथड है इसकी, ये एक अच्छी बात होती है कि एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, कम टाइम में ज्यादा, एक बार में हम कई सारे कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई प्लांट है, ठीक है, उसके हमें स्टेम हमने चूज कर लिया, अब स्टेम की लेंथ हमें देखनी है, तो हमने क्या किया कंप्यूटर में डेटा फीड कर दिया ए नंबर डाल के उस लेंथ, फिर उसके बाद उसका डायमीटर भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक साथ कई सारे फीचर्स हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कैलिक्स कितना है, तो ये
कितना है कोरोला कितना है, तो इस तरह से हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं एक बार में, एक टाइम में। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो कंप्यूटर में तो सेव रहेगा हमेशा के लिए, हमें बार बार ये भी नहीं है कि कुछ भी डिसएडवांटेज की एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रहा है, कुछ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स ये किस पे बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। अब क्रोमोसोम्स का नंबर अगर बात आती है तो हर एक स्पीसीज में अलग अलग नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन 46 होते हैं, 23 पेयर्स। अब अनियन की बात करें तो अनियन में देखा होगा 16 होते हैं। और एक अभी पढ़ोगे आगे ड्रोसोफिला मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर देखो तो 8 होते हैं, तो क्रोमोसोम्स का नंबर के बेसिस पे। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है क्रोमोसोम्स का बिहेवियर। अब बिहेवियर जैसे ह्यूमंस का बिहेवियर होता है, वैसे क्रोमोसोम्स का भी बिहेवियर होता है। उनका बिहेवियर का मतलब कि पैटर्न जो है, जो प्रोसेस चलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे उनमें पेयरिंग होगी, बॉन्डिंग होगी, फिर सेपरेशन होंगे, सेपरेट होते हैं जब प्रोसेस होती है डिवीजन की, अभी आगे पढ़ोगे इसी में चैप्टर 10 में, तो वो सब पूरा बिहेवियर दिया है इसके, पूरा प्रोसेस माइटोसिस मियोसिस में देखोगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है कीमो टैक्सोनॉमी। नाम से लग रहा है कीमो, यानी कि बायोकेमिकल आ जाएगा, बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूट्स। जो भी प्लांट में केमिकल कंस्टिट्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से, एंजाइम हो जाएगा इसमें, हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे, कि प्रोटीन्स होंगे, जितने भी ये सब प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, या जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, किसकी बनी होती है, तो ये जो भी चीजें आती है वो किसमें आती है, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूट्स, तो ये पूरा हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी के फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा किंगडम, फर्स्ट जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर जो फर्स्ट हमें पढ़ना है एल्गी, तो उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।